गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का बेटा बहुत ही शानदार कोट है, यू कैन इफ यू थिंक यू कैन। अगर आप सोचते हैं तभी आप कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी क्या है कि आपको अपने लक्ष्य का डिटर्मिनेशन खुद से करना होगा कि आपको ये करना है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। आज हम सेल डिवीजन का पिरामिड स्टडी करके मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस देखेंगे। ये है पिरामिड आपके बेटा सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल के चैप्टर का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, द चैप्टर इज फ्रॉम पेज नंबर 162 टू 171। बहुत छोटा चैप्टर है, 10 पेजेस का है, लेकिन अभी तक क्वेश्चन 10 साल में 25 पूछे जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम पेजेस में ज्यादा क्वेश्चन और हर साल क्वेश्चन आए ही हैं। अब यहाँ के श्योर शॉर्ट पेजेस देखिए, 168 सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट है। 7 क्वेश्चंस आए हैं 163 पेज नंबर पे। तो देखा जाए तो 163, 65 और 68 ये हैं हमारे हॉटस्पॉट पेजेस, और हम इसी का आज एनालिसिस करेंगे। और जो क्वेश्चंस आए हैं उनके अलावा आसपास का वो पूरा पन्ना ही हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि इससे होने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो टाइम वैसे ही थोड़ा सा टेक्निकल एरर के वजह से खराब हो चुका है, तो हम बस स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो हमने कौन कौन से पेज नंबर बोले हैं, 163, 65 और 88। तो पहले देखते हैं 163। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। आपको एक क्रम सबसे पहले याद होना चाहिए कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ फेजेस। तो दो फेजेस हैं बेटा, एक है आपका इंटरफेज और दूसरा है आपका एम फेज। सबसे बड़ा कौन सा होगा? इंटरफेज कितने फेजेस का होगा, कितने टाइम का होगा, ज्यादा समय का कि कम समय का? तो ध्यान रखना है, तैयारी का समय ज्यादा होता है और मेन डिवीजन का समय कम होता है। 95% से ज्यादा टाइम लगता है इंटरफेज में, और एम फेज तो अपना छोटा सा होता है, ठीक है। इंटरफेज के डिफरेंट फेजेस पता होने चाहिए, G1, S, G2 और इसके बाद आता है M फेज। ये क्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके बाद क्या आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ह्यूमंस में अगर सेल कल्चर किया जाए तो कितने टाइम में सेल डिवाइड होंगे। तो याद रखिएगा, 24 आवर्स में ह्यूमन की सेल्स अराउंड डिवाइड होती हैं। अगर पूछा जाए यीस्ट के लिए यही बात, आपको पता होना चाहिए 90 मिनट्स में ये डिवाइड होंगी। तो ये आपके दो हॉटस्पॉट पॉइंट्स और ये डायग्राम। कभी इस डायग्राम में भी यहाँ पे गायब कर दें, इधर गायब कर दें, तो आपको पता होना चाहिए। तो बेटा अगर हम कहें कि इंटरफेज क्या है, तो एक एम फेज, इसके बाद इंटरफेज और फिर एम फेज। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि दो लगातार पढ़ने वाले इंटरफेज के बीच के समय को हम क्या कहेंगे, एम फेज। व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस। दो सक्सेसिव, एक के बाद एक आने वाले एम फेज के बीच का जो समय है उसे आप इंटरफेज कहेंगे। ये 95% से ज्यादा का टाइम होता है। अब इंटरफेज में भी, G1, S और G2 में भी कौन सी फेज का ड्यूरेशन ज्यादा होता है? G1, S और G2 में भी किस फेज का ड्यूरेशन ज्यादा होता है? गुड मॉर्निंग प्रियल, गुड मॉर्निंग संपू। तो ध्यान रखिएगा बेटा, G1 का टाइम सबसे ज्यादा है। ऐसे G1 लेता है अराउंड 11 आवर्स, S फेज अराउंड 8 आवर्स एंड G2 फेज अराउंड 5 आवर्स। तो बेटा यहाँ पे आपको ड्यूरेशंस और फेजेस के क्रम याद रखने। एम फेज के दो पार्ट होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो जो डॉटर क्रोमोसोम से रिलेटेड पार्ट है सेपरेशन का, वो होता है कैरियोकाइनेसिस में, और दो डॉटर सेल बनने का काम होता है आपका साइटोकाइनेसिस में। G1 इज गैप 1, S इज सिंथेसिस एंड G2 इज गैप 2। ये पेज बेटा 7 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसकी कोई भी लाइन नहीं छोड़ते।
अब बेटा जीवन में आपको ध्यान होना चाहिए, सेल कैसी रहेगी? इनएक्टिव नहीं रहेगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी और ग्रो करेगी। अब उसे डिवाइड करना है, तो उसे बड़ा होना है तब वो डॉटर सेल बनाएगी। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी और ग्रो करेगी कंटिन्यूअसली। इतना है जीवन का काम। इसके बाद सिंथेसिस फेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज। इसमें बेटा डीएनए का कंटेंट बढ़ता है। एस फेज में डीएनए का कंटेंट इंक्रीज होता है, ठीक है? डीएनए का कंटेंट कब इंक्रीज होता है? एस फेज में। यानी अगर 2C है तो ये 4C हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब अगर हम कहें कि एस फेज में 20 पिकोग्राम डीएनए था, तो जी1 फेज में कितना रहा होगा और जी2 फेज में? जी1 फेज में क्या रहा होगा और जी2 फेज में? तो बेटा जी1 फेज में जितना रहा होगा एस फेज में उसका डबल हो गया, यानी जी1 फेज में कितना रहा होगा? 10 पिकोग्राम, और जी2 फेज में कितना होगा? 20 का 20 पिकोग्राम रहेगा। तो ऐसे इस चीज को ध्यान रखना है कि कंटेंट इज डबल्ड बट क्रोमोसोम नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी पे न्यूमेरिकल बनेंगे। अगली चीज आती है एस फेज में एक और काम होता है। हम लोग डीएनए का डुप्लीकेशन याद रखते हैं मगर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भूल जाते हैं। तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी एस फेज में ही होता है, ठीक है? जी2 में क्या होता है बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस होती है क्योंकि माइटोसिस की तैयारी हो रही होती है, वो सेल ग्रोथ होती रहती है और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अब बेटा इस पेज के हाईलाइट क्या हुआ? ह्यूमन का सेल अराउंड 24 आवर्स में डिवाइड करता है, ईस्ट 90 मिनट्स में डिवाइड करता है, ई कोलाई सबको पता है अराउंड 20 मिनट्स में डिवाइड करता है। पहले तो ये टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए। दो फेजेस होते हैं, एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज। दो एम फेज के बीच का जो समय होता है उसे हम कहते हैं इंटरफेज। पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस में डॉटर क्रोमोसोम्स में सेपरेट हो जाता है और साइटोकाइनेसिस में सेल्स में बदल जाता है, ठीक है? गैप 1 एस एंड जी2। जी1 में मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा और कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा। सिंथेसिस फेज में डबलिंग होगी सिर्फ क्रोमोसोम के कंटेंट की, क्रोमोसोम नंबर की डबलिंग नहीं होती है। दूसरी बात क्या है? सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट करता है एस फेज में ही। सेंट्रियोल विल ऑल्सो डुप्लीकेट इन एस फेज। प्रोटीन की सिंथेसिस कब होगी बेटा? जी2 फेज में। प्रोटीन की सिंथेसिस होगी जी2 फेज में। अब ये पेज, इस पेज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन जनरल नॉलेज के क्वेश्चन इससे अच्छे बनते हैं। जैसे क्वेसेंट स्टेज है बेटा, G0 स्टेज। G0 स्टेज में सेल कैसा होता है? मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, लेकिन वो डिवाइड या प्रोलिफरेट नहीं करेगा जब तक कि जरूरत ना हो। एनिमल्स में माइटोटिक सेल डिवीजन कहाँ होता है बेटा? डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में। जबकि प्लांट्स में हैप्लॉइड में भी होता है और डिप्लॉइड में भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। एनिमल में माइटोसिस डिप्लॉइड सेल्स में होती है, जबकि प्लांट्स में हैप्लॉइड सेल में भी होगी और डिप्लॉइड सेल में भी होगी। अब आता है एम फेज। एम फेज में क्या होता है बेटा? चार फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। माइटोटिक डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, ये बात ध्यान रखने वाली है। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या होता है? कि जितने पेरेंट में थे उतने ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम रहेंगे। इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर एंड इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट्स। प्रोफेज के लिए बेटा जो लाइन आती है ना, देखिए आपका जो डीएनए है ना वो ऐसे होता है, ठीक है? अब क्या होगा? ये कंडेंस होके क्रोमोसोम का शेप लेगा। तो याद रखिएगा, कंडेंस कहाँ होता है? प्रोफेज में। डीएनए जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस होगा और क्रोमोसोम की तरह दिखेगा, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो प्रोटीनेशियस कंपाउंड है वो भी इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे यहीं पे इसी फेज में। हर फेज की हाईलाइट पता होनी चाहिए। अब देखिए प्रो फेज में धीरे धीरे ये
कंडेंस होना शुरू हुए और अब क्रोमोसोम की तरह लेट में दिखने लगे। अब बेटा पूरे न्यूक्लियस के अंदर तो आपका डिवीजन होना है, तो अब क्या है भाई, कुछ काम होना होगा, तो आप उस कमरे को पहले खाली करेंगे ना। तो जितने भी आपके कॉम्प्लेक्सेस थे सेल में, ये सब गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप, ये सब धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। ठीक है, तो ये सब गायब कब हो रहे हैं, प्रोफेज में। मेटाफेज का मेन एक लाइन याद रखिएगा, क्रोमोसोम सबसे अच्छे क्लियरली विजिबल होते हैं इस फेज में, दैट इज मेटाफेज। क्रोमोसोम्स आर क्लियरली विजिबल इन मेटाफेज। ये देखिए मेटाफेज में आपका स्पिंडल बन जाएगा, सब इक्वेटर पे सारे क्रोमोसोम आपके इक्वेटर पे लाई कर जाएंगे। स्पिंडल फाइबर्स किससे अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर के काइनेटो कोर से। ये है आपका काइनेटो कोर्स, लेटरल प्लेट्स। तो ये पूछा जा सकता है स्पिंडल फाइबर कहाँ से अटैच होते हैं, तो याद रखिएगा काइनेटो कोर से। फिर मेटाफेज प्लेट के अराउंड आ जाएंगे और दोनों ओर जाने लगेंगे। एनाफेज अ से याद रखिए अलग होंगे। अब वो जब खींचेगा ना, तो एक-एक क्रोमैटिड एक-एक ओर चला जाएगा, एक-एक क्रोमैटिड एक-एक सेल की ओर चला जाएगा। तो एनाफेज में क्या हुआ है बेटा, अलग हो गया है, दोनों चीजें अलग हो गई हैं। ठीक है, तो एक-एक सिस्टर क्रोमैटिड इधर चला जाएगा। टीलोफेज में क्या होगा, वापस जो चीजें प्रोफेज में हुई है उसका जस्ट अपोजिट काम यहाँ पे होगा। अब काम हो गया, दो में बट गया सामान। अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर एनवलप और जितने आपकी चीजें गायब हुई थी वो सब दोबारा बनने लगेंगी, क्रोमोसोम क्लस्टर की तरह पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अभी कंडेंस्ड था तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, डीकंडेंस्ड, मतलब अब ग्रुप में आने लगेगा। जैसा ये ऐसा हो जाएगा, अभी तक कैसा दिख रहा था, बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। तो माइटोसिस में बेटा सबसे अच्छे क्रोमोसोम विजिबिलिटी माइक्रोस्कोप में होती है मेटाफेज में। सेकेंड पॉइंट है, प्रोफेज में जो काम होते हैं उसके जस्ट अपोजिट टीलोफेज में काम होंगे। साइटोकाइनेसिस के लिए ध्यान रखने वाली बात है कि जब एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होती है, यानी एक सेल से दो बननी है, तो बाहर से अंदर की ओर होती है, जबकि प्लांट सेल में जब होनी होगी तो अंदर से बाहर की ओर होगी। एनिमल में बाहर से अंदर और प्लांट में बाहर से अंदर से बाहर। ठीक है, और सेल प्लेट फॉर्मेशन भी होगा आपका प्लांट्स में ही। ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पेज के 167। एक हल्का सा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं कि मियोसिस में दो स्टेप्स होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच के समय को कहते हैं इंटरकाइनेसिस। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बेटा, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस का मतलब क्या है, अ शॉर्ट स्पैन बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, तो इस बीच के समय को हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। और अगर पूछा जाए इंटरफेज क्या था, तो आप क्या बताएंगे, दो एम फेज के बीच के टाइम को कहते हैं इंटरफेज। मियोसिस में कितनी सेल्स बनेंगी, 4 हैप्लोइड सेल बनेंगी, यानी जस्ट हाफ। दिस इज द बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पेज ऑफ दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा नहीं बता रहे हैं, सिर्फ उतने ही पॉइंट बता रहे हैं जो हर साल रिपीट हो रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में। अब यही पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें आपको याद रखना है लेप्टोटीन। प्रोफेज का फर्स्ट पार्ट है लेप्टोटीन। हर चीज में सबसे पहले क्या होना है, क्रोमोसोम जो एक क्लस्टर की तरह है, घना घना अनक्लियर सा, वो क्लियरली विजिबल क्रोमोसोम में बदलने लगेगा धीरे धीरे, लेप्टोटीन। जाइगो का मतलब होता है बेटा दो। अब यहाँ पे क्या होगी बेटा, पेयरिंग होगी क्रोमोसोम्स की, पेयरिंग होगी क्रोमोसोम्स की यहाँ पे जाइगोटीन में। बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे हम कहते हैं साइनेप्टो नीमल कॉम्प्लेक्स। हर एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से दो दो सिस्टर क्रोमैटिड निकले हुए, एक ये और इस क्रोमोसोम से एक ये ठीक है। तो देखा जाए तो 4 हैं, तो इसको हम टेट्रावेलेंट भी कहते हैं।
इसको हम बाइवेलेंट स्टेज भी कहते हैं, टेट्राड या बाइवेलेंट स्टेज। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अगर पूछा जाए किस स्टेज में बनता है, तो आपको पता होना चाहिए जाइगोटीन में। बाइवेलेंट कब बनता है? जाइगोटीन में। अब इसके बाद की स्टेज आती है पैकीटीन। अब बेटा ग्रुपिंग तो हो गई है, ग्रुपिंग के बाद रिकॉम्बिनेशन होना है। अब भाई रिकॉम्बिनेशन के लिए रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कब बनते हैं? पैकीटीन में। यहां पे बन गया रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, जो भी क्रॉसिंग ओवर चेंज एक्सचेंज होना है हो जाएगा। अब बहुत सिंपल सी चीज यहां पे जो लिंक करती है, यहाँ पे जो बेटा रिकॉम्बिनेशन, अगर दूरियां कम है, अगर क्रोमोसोम में आपका रिकॉम्बिनेशन कब हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल चल रहा है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कब होगा? पैकिटीन में होगा। तो याद रखिएगा रिकॉम्बिनेशन वाला टर्म्स जो है, रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर मेन जो काम है वो कब हो रहा है, जिसकी वजह से वेरिएशंस आ सकते हैं, पैकिटीन में। अगला स्टेप आता है आपका डिप्लोटीन। अब आता है आपका डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा बेटा? अब काम हो गया, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो चुका है, तो अब क्या करना है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की हमें जरूरत नहीं है। तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता कहाँ है, इसको कंपेरेटिव याद रखिएगा। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है जाइगोटीन में, और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है कि ये डिसोल्यूट मतलब खत्म कब होता है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स खत्म कब होता है? डिप्लोटीन में खत्म हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। कहाँ पे? डिप्लोटीन में। बाइवेलेंट सब सेपरेट हो जाएंगे, और जब सेपरेट होंगे ना, तो ये एक्स शेप कियाज्मेटा बनाते हैं। ये जो एक्स शेप क्रॉस बनेगा, इसको हम कहते हैं कियाज्मेटा, ठीक है। ये कियाज्मेटा की तरह अब यहां से दूर होना शुरू होंगे एक दूसरे से, तो यहाँ पे एक्स शेप कियाज्मेटा बन जाएगा। आखिरी होता है डायाकाइनेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो आपके कियाज्मेटा बने हैं ना, अब अगर उंगलियां दूर हो रही होंगी, तो ये जो कियाज्मेटा अभी यहाँ पे दिख रहा है, ये धीरे धीरे कोनों की ओर जाएगा। मतलब टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा अब धीरे से ऐसा बन जाएगा, ठीक है। धीरे से ये कोने पे पहुंचता जाएगा। अभी ये बीचों बीच में यहाँ पे कहीं पे आ रहा था कियाज्मेटा, अब ये कोने की ओर जाता जाएगा धीरे धीरे, और ये धीरे से अलग हो जाएगा। तो ये पांच फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है, दैट इज द सीक्वेंस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। लेप्टोटीन में धीरे धीरे कंडेंस होगा क्रोमोसोम, आपको दिखना शुरू होंगे जाइगोटीन, जाइगो मीन्स दो, ग्रुपिंग होनी शुरू होगी, और बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। असली काम कहाँ होगा? पैकिटीन में रिकॉम्बिनेशन होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, इसके बाद क्या करना है? अब भाई काम हो गया, तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स गायब हो जाएगा और कियाज्मेटा बना रहेगा। इस एक्स शेप कियाज्मेटा को अलग होना होगा, तो ये टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा होता है, दैट इज डायाकाइनेसिस। ये वर्ड्स और उनका कहाँ पे हो रहा है, ये आपको याद रखना जरूरी है। और एक चीज ये पूछी जाती है कि ये जो हो रहा है आपका रिकॉम्बिनेशन, ये किसके बीच होता है? तो ध्यान रखिएगा रिकॉम्बिनेशन हमारा होता है किसके बीच होगा, सिस्टर क्रोमैटिड की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड बेटा, ये और ये एक ही के हैं इसलिए सिस्टर क्रोमैटिड है, पर ये और ये अलग अलग क्रोमोसोम के हैं इसलिए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये बेटा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पेज था, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर वैसे ही इसमें क्या होता है, अभी आपने माइटोसिस में देखा था, एक एक क्रोमैटिड अलग होता है, यहाँ पे पूरा पूरा क्रोमोसोम अपोजिट पोल की ओर चला जाता है। अगला जो मियोसिस पार्ट टू होता है, वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह चलता है बेटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पेजेस हमने देख लिए हैं इस चैप्टर के, इसी में से क्वेश्चन आएगा, चाहे मैच द कॉलम की तरह आ जाएगी,
सेरेब्रोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसोल्यूशन किसमें होता है, कियाज़मेटा का टर्मिनलाइजेशन। तो ऐसे टर्म्स की तरह आपको इसको याद रखना है। अब बेटा ये एक स्मॉल पीडीएफ है, इसमें हम आपको पीछे साल में आए हुए क्वेश्चंस को एक बार मेन पॉइंट्स की तरह बता रहे हैं। सीक्वेंस क्या पूछा गया था, तो सबको पता है G1, उसके बाद S, फिर G2, फिर M, ठीक है। सेल्स G0 फेज में सेल साइकिल को एग्जिट कर देती हैं, ठीक है। जिन सेल को फर्दर डिवाइड नहीं होना होता है वो G0 फेज में बाहर निकल जाती हैं। इसके बाद में आया था बेटा कि इवेंट्स का अरेंजमेंट क्या है। सबसे पहले कंडेंसेशन यानी क्रोमोसोम क्रोमोसोम की तरह दिखना शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली हो जाती है, आपका गोल्जी अपरेटस, ईआर, ये सब गायब होने लगते हैं। फिर इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे, सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा और सेग्रीगेशन हो जाएगा, आखिरी में टीलोफेज आएगा। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल्स। अगर एपीसी डिफेक्टिव हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है। एनाफेज का काम होता है अलग करना, क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं होंगे अगर एपीसी में प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा पॉइंट है बेटा, 2017 में पूछा गया था। स्पिंडल फाइबर्स अटैच ऑन टू काइनेटिक कोर्स ऑफ क्रोमोसोम, ये हमने अभी आपको बताते जब बता रहे थे तभी बताया था कि सेंट्रोमियर की साइड प्लेट्स होती हैं काइनेटिक कोर्स। मियोसिस क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में लेता है, पैकीटीन है बेटा, पी से पैकेटीन है और आर से रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर, सब कुछ इसमें यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि डीएनए सिंथेसिस कहाँ होती है, एस फेज। कंटेंट इज डबल्ड बट क्रोमोसोम नंबर इज सेम। पैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। मेटाफेज में क्या होता है, इक्विटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं। डायाकाइनेसिस में कियाज़मेटा बिल्कुल एंड की ओर जा रहा होता है, दोनों अलग हो रहे होते हैं। जाइगोटीन में हो जाती है पेयरिंग। तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं उन्हीं पेजेस से आए हुए हैं। अगर डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क स्टॉल्ड हो गया है तो मतलब G1S चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड। अगर इस फॉर्क अभी नहीं बन पाया है तो G1S फेज चेक पॉइंट एक्टिवेट हुआ है। सिनेप्सिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मियोसिस इन जर्म सेल्स, ठीक है। ये जो बाइवेलेंट वाला फेज आता है ये कब होता है, मियोसिस में। साइनेप्सिस क्रॉसिंग ओवर होता है, फिर टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज़मेटा होता है, फिर न्यूक्लियोलस डिसअपीयरेंस और मियोसिस वन के ये इवेंट है। साइनेप्सिस अलाइंस होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग कहाँ होती है, जाइगोटीन में, बाइवेलेंट स्टेज या टेट्राड स्टेज कहते हैं। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन G1 एंड G2 फेज, ठीक है। G1 फेज में भी आरएनए प्रोटीन बन रहा होता है और G2 फेज में भी बन रहा होता है। सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल्स, ये किस फेज में होगा बेटा, एनाफेज में होगा, ठीक है, एनाफेज में होगा। यहां कह रहा है सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट। अब बहुत ध्यान से इस चीज को समझना बेटा, अगर एक एक क्रोमैटिड इधर उधर जाएगा तब तो ये सेंट्रोमियर बीच से फटेगा, लेकिन अगर पूरा पूरा क्रोमोसोम जो पेयर में लगा है मियोसिस में वन में जैसा होता है तो क्या होगा, सेंट्रोमियर नहीं फटेगा क्योंकि एक एक पूरा पूरा क्रोमोसोम दोनों ओर जा रहा है। इसीलिए स्पेशल आंसर क्या है, मियोसिस वन का एनाफेज वन। अगर हम कहते सेंट्रोमियर फट रहा है तो उसमें माइटोसिस भी हो सकता था और मियोसिस टू का भी हो सकता था। सेल दैट हैज कंप्लीटेड एस फेज, अगर किसी ने एस फेज कंप्लीट कर लिया है तो क्या होगा गैमेट्स में, एस फेज के बाद क्या होगा बेटा, डीएनए कंटेंट बढ़ जाएगा। इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल, एस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। ड्यूरिंग विच फेजेस ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल रिमेन्स 4C, अगर इनिशियली 2C था तो 4C कब होगा बेटा, दुगना होता है एस फेज में और उसके बाद भी उतना ही रहेगा।
होमोलोगस क्रोमोसोम अगर पेयर हो गए तो उसे बाइवेलेंट कहते हैं। डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो सेंट्रोमियर पे साइड पे होते हैं उन्हें हम काइनेटोकोर कहते हैं। मेटाफेज वन में क्या होगा? अब मेटाफेज वन की बात हो रही है बेटा, तो कौन अरेंज होंगे? बाइवेलेंट्स, ये जो बाइवेलेंट है ना ये अरेंज होगा, क्योंकि पूरा पूरा क्रोमोसोम दोनों जाएगा, बीच से फटेगा नहीं, क्रोमोसोम नंबर हाफ होना है ना यहाँ पे। तो ये बस ध्यान रखना है कि वन वाला चीज चल रहा है कि माइटोसिस चल रहा है। अगर वन फेज है तो क्रोमोसोम पूरा पूरा जा रहा है, टू फेज है तो क्रोमेटिड जा रहा है। टीलोफेज में क्या होगा बेटा? न्यूक्लियर एनवलप भी दोबारा बन जाएगा और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी दोबारा बन जाएगा। अब ये क्या दिखा रहे हैं? बढ़िया से क्रोमोसोम दिख रहे हैं, इसका मतलब ये प्रोफेज वन है। और देखो पेयर में दिखा रहे हैं, दो नीले वाला है और दो पिंक वाले हैं। गैमेट फॉर्मेशन में रिकॉम्बिनेज एंजाइम कब यूज होगा? प्रोफेज वन में, प्रोफेज वन के पैकेटीन वन में, प्रोफेज टू में रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। इन माइटोसिस क्रोमोसोम्स मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज। माइटोसिस में क्या हो रहा है बेटा? पूरा पूरा क्रोमोसोम अलाइन हो जा रहा है मेटाफेज में। फिगर वन में आप क्या देख रहे हैं? ये एक एक पोल पे अलग हो जा रहा है, तो ये क्या हुआ? एनाफेज का आखिरी पार्ट दिखा रहा है। फिगर बी में क्या दिखा रहा है? प्रोफेज अभी शुरू हुआ है, क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू हुआ है। ईआर और न्यूक्लियोलस कब गायब होने शुरू होंगे? अर्ली प्रोफेज में। सिनेप्सिस किसके बीच होती है? दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होती है। बस बेटा ध्यान में यही रखना है आपको कि कब पूरा पूरा क्रोमोसोम दो पोल पे जा रहा है। क्रोमोसोम पूरा पूरा जाता है मियोसिस वन में, और वो दो में टूटता कब है सेंट्रोमियर? मियोसिस टू में। तो इसी से आपको फेजेस बतानी है। तो हमने जितने पेजेस डिस्कस किए थे इतने सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिल रहे हैं। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस ऑफ दिस चैप्टर, इनको जरूर से देख लीजिएगा। ओके बाय बाय, सी यू ऑल टुमारो, हैप्पी लर्निंग।